नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार घर में बड़ी भारी नकारात्मकता फैल जाती है और सालों सालों तक यह चलता है। सप्ताह में दो बार कलेश होगा, किसी भी बात को लेकर घर में टेंशन परमानेंट होगी। आपको ऐसे ऐसे उल जलूल स्वप्न दिखाई पड़ेंगे जिनका आपके जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर में भारीपन का रहना, शरीर का बहुत ज्यादा आलसी हो जाना, एक जगह पड़े रहना, घर के किसी भी व्यक्ति का एकांत में रहने की आदत और इसके साथ ही साथ घर में बुरी स्मेल आना, बहुत ज्यादा गलत तरह की खुशबू आना और आकस्मिक धन की हानि, अकाल मृत्यु का योग, यह सब चीजें अगर होने लगे तो आप समझ जाइए प्रेत दोष के लक्षण हैं। अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों पहले कुछ पिशाच प्रेत दोष के, अभिचार दोष के, यानी कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र जैसा कुछ करा तो नहीं दिया या किसी की बुरी नजर तो आपके परिवार व्यापार पर नहीं लगी है, इसके लक्षणों पर बात करता हूं। इसका पहला लक्षण है कि शरीर में भारीपन, परिवार के किसी एक सदस्य का बिल्कुल एकांत में रहने की आदत। किसी, कोई बालक है या कोई बड़ा है और आप उसके एकांत को अगर भंग करेंगे, उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे तो आकस्मिक गुस्सा उसको आएगा, आपको वह अपने पास से दूर धकेलने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ घर में एक आदमी का परमानेंट बीमार रहना, स्त्रियों को पेट रोग की अधिकता और घर में बिना किसी कारण के कलेश, आकस्मिक धन की बहुत ज्यादा हानि, यह सब प्रेत दोष के, पिशाच दोष के सीधे सीधे लक्षण हैं। कुछ ऐसे उल जलूल स्वप्न दिखाई पड़ना, भैंसे भैंसे आपको दिखाई पड़ रही है, कुछ ऐसे खंडर मकान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कटा पीटा जानवर आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई व्यक्ति आप पर प्रहार कर रहा है किसी धारदार हथियार से, यह भी सब प्रेत और पिशाच दोष के ही लक्षण है। तो यदि आप के पास में इस प्रकार का साइन है, आपके परिवार में इस प्रकार के लक्षण हैं, तो साथियों सबसे पहले आप स्वयं पर कंट्रोल कीजिए और अपने घर में जो कलेश का वातावरण है वह दूर करें और संगठित हो जाए पूरा परिवार, क्योंकि जो इस प्रकार का दोष होता है उसमें सबसे पहले परिवार का संगठन टूटता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं पब्लिक डीलिंग में हूं लंबे टाइम से। परिवार का संगठन जिस समय टूटने लगे, समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसमें आपको सबसे पहले परिवार को संगठित करना है, स्वयं पर नियंत्रण करना है और अपने घर में साधना को, किसी भी एक मंत्र को कंटिन्यू कर देना है। प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ देने के उपरांत आप जो है कोई भी एक बीज मंत्र या ओम बम बटुकाय नमः, इस मंत्र का इसको कंटिन्यू कर दे। सुबह घी का दिया जलाएं, बम बटुकाय नमः मंत्र का जाप करें, भैरव जी को प्रणाम करके। माला करनी आप नहीं जानते तो कम से कम 20 मिनट और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। शाम के समय जब दोनों समय मिलते हैं, संध्या काल में भी आप घी का दिया जलाकर अपने घर में बम बटुकायन में इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। एक तो यह आप करना प्रारंभ कर दे, जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र है, वह अपने आप ढीला पड़ जाएगा, हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। शाम के समय बाएं हाथ में चावल ले, दाएं हाथ से उनको ढके, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। मंत्र पढ़े, ओम अप सर्पन्तु ते भूता भूमि संस्थिता, ते भूता विघ्न कर्ता रे, ते नश्यन्तु शिवाग्या, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वे साम विरोधेन पूजा कर्म समारभेत। उन चावलों को चारों दिशाओं में छोड़ दे, पहले पूर्व में प्राचीन में यदि पूर्व कह करके, अवाचीन में दक्षिणाम दिशे, प्रतिश्चैन में पश्चिम, उदिश्चैन में उत्तर, ऊर्ध्वायन में आकाशे, अनंतायन में भूमो। इस प्रकार उन चावलों को चारों दिशाओं में छोड़ दे इस विधि से। साथियों आप यकीन करो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार में टिक नहीं पाएगी और यदि उसकी विषैली और गंदी नजर दूर से भी आपके परिवार के ऊपर पड़ रही है तो वह भी हट जाएगी। तीसरा, भगवान महाकाल का पूजन
कंटिन्यू करें। प्रत्येक सोमवार भगवान शंकर का अभिषेक करें। फल फूल जितना अपने से बन पड़े भगवान महाकाल के मंदिर में चढ़ाएं और हो सके तो दूध से, या आपके घर में यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप परमानेंट शिवलिंग पर सुबह के समय अभिषेक करके तिलक करें और विल्व पत्र चढ़ाएं। तो ऐसा करने से भी समस्त प्रकार का दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाएगी। नंबर चार, आपके निकट जो भी कोई योग्य आचार्य है या कोई सिद्ध मंत्र व्यक्ति है जिसने मंत्र पर लंबे समय तक काम किया है, उसकी सहायता अवश्य लें, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को आदमी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। तो ऐसा करें तो ये सब चीजें करने से धीरे धीरे नकारात्मक शक्ति आपके परिवार को, आपके व्यापार को, आपके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। इसमें साधना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रातःकाल और सायंकाल साधना अवश्य करें। जो भी ग्रह दोष आपकी फैमिली में है, जो भी प्रेत पिशाच या आपके खिलाफ कोई भी अभिचार क्रिया कराई जाती है या कराई जा रही है, आप जब नियमित साधना करेंगे तो सामने वाले की कमर टूट जाएगी। अपनी राशि से संबंधित मंत्र, आपकी राशि और जन्म लगन से संबंधित शुद्ध और कीमती रत्न पहनने से भी नकारात्मक शक्ति, प्रेत पिशाच आदि आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, यह भी सत्य है। तो इस प्रकार यदि आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं, लंबे समय से आपके शरीर में आलस्य भरा हुआ है, उठने को मन नहीं करता, परिवार के सदस्य अपनी अपनी सब बात चलाते हैं, संगठन परिवार का आपके टूटता जा रहा है, तो आपको यह सब उपाय करने चाहिए जो मैंने बताए। मैं कामना करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक सटीक जानकारी अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुँचाने के लिए साथियों, हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।